हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी शोर के बाद अब नतीजों का शोर भी थम चुका है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जबरदस्त वापसी की, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के मायने बिल्कुल बदल गए हैं। और चुनाव जीतने के बाद ही उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दिलवाने का दर्जा जो है वो जरूर करेंगे। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना आसान होगा? नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नाइन डिजिटल। केंद्र सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था और धारा 370 को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया, या फिर यूं कहें तो इसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। ऐसा करने से पहले घाटी के तमाम बड़े और छोटे नेताओं को अरेस्ट या फिर हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिनमें कई पूर्व सीएम भी शामिल थे। इसके बाद अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद से ही घाटी के लोगों और नेताओं को विधानसभा चुनावों का इंतजार था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने के बाद अब नेताओं ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग तेज कर दी। आने वाले दिनों में इसे लेकर राजनीतिक घमासान भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि वो फिर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे। ऐसी ही मांग दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाया है। अब जम्मू कश्मीर में भले ही फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उमर अब्दुल्ला को सीएम बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सीएम के हाथ पूरी तरह से खुले नहीं रहेंगे। दिल्ली की तरह कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को भी यही महसूस होगा कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। इस बात की टीस चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला के इंटरव्यू में भी दिखी थी, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि वो ऐसे राज्य का सीएम नहीं बनना चाहेंगे जिसमें एक चपरासी की भर्ती के लिए भी उन्होंने राज्यपाल के दफ्तर के बाहर फाइल लेकर बैठना पड़े। लेकिन अब स्थिति कुछ ऐसी ही दिखने वाली है। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुका है, विधानसभा का गठन होने जा रहा है, ऐसे में ये भी लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि शायद राज्य का दर्जा अब मिल जाए, और उसके लिए क्या राज्य विधानसभा से ही बिल पास हो सकता है? लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत राज्य विधानसभा से पूर्ण राज्य का दर्जा देने का बिल पास होने भर से राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। इसके लिए केंद्र सरकार को संसद में बिल लाना होगा। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के राज्य पुनर्गठन बिल को पेश कर उसे पास कराया था, उसी तरह उसे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था, उसी तरह से अब संसद में बिल पेश करके राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन ये पहल केंद्र सरकार ही कर सकती है, यानी केंद्र सरकार के हाथ में ये फैसला है। केंद्र ने राज्य सरकार का दर्जा खत्म किया था और स्पेशल स्टेटस भी खत्म किया था, वो ही दर्जा दिलवा सकती है। ऐसे में जिसे राज्य का दर्जा खत्म करने का अधिकार है, जाहिर तौर पर राज्य का दर्जा देने का अधिकार भी उसी के पास होगा। यानी केंद्र सरकार के हाथ में ये शक्ति है, राज्य सरकार अपना काम करेगी, लेकिन जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर LG मामले को रेफर कर सकते हैं और इस कारण कुछ मुद्दों पर खींचतान देखने को मिल सकती है। अब आगे देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या देखने को मिलता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर।